नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज सेगमेंट में। आपके साथ मैं हूं प्रियंका। दोस्तों, कहा था ना हमने आपसे कि क्रिकेट के मैदान पर कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि ये खेल ही कुछ ऐसा है। और आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया, जो शरीर से तो कमजोर थे लेकिन अपने दिल और दिमाग से बिल्कुल भी नहीं, और उनकी इस ताकत ने ही उन्हें एक बेहतरीन खिलाड़ी बना दिया। आपको बता दें कि इस खिलाड़ी ने इंडिया के लिए कई टेस्ट मैच खेले हैं, और तो और इन्होंने अपने डेब्यू के दौरान ही 4 विकेट झटक दिए थे। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको इस खिलाड़ी के बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि क्रिकेट की तमाम अपडेट्स आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों सस्पेंस खत्म करते हैं और इस खिलाड़ी के बारे में आपको बताते हैं। तो दोस्तों, इस खिलाड़ी का नाम है भगवत चंद्रशेखर। दोस्तों, भगवत चंद्रशेखर एक ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने केवल 19 के एवरेज से 58 विकेट लेकर इंडिया को 14 टेस्ट मैच जिताए थे, और इन 58 विकेट में 42 विकेट वो थे जिनकी बदौलत चंद्रशेखर ने विदेशी धरती पर 5 टेस्ट मैच जीत दिलवाई थी, जिसकी वजह से विदेशों में इंडिया की जीत का जो सूखा था वो खत्म हुआ था। बता दें कि करिश्मा करने वाले स्पिनर के जादूगर कहे जाने वाले चंद्रशेखर ने 21 जनवरी 1964 में ही टेस्ट में अपना डेब्यू किया था, यानी कि आज उन्हें डेब्यू किए पूरे 58 साल हो चुके हैं। दोस्तों, चंद्रशेखर वो बेहतरीन खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी खामी को अपनी खूबी में बदल दिया। जी हाँ दोस्तों, 17 मई 1945 को मैसूर में पैदा हुए चंद्रशेखर बचपन में पोलियो का शिकार हो गए थे, जिसकी वजह से उनकी राइट आर्म कमजोर पड़ चुकी थी, लेकिन चंद्रशेखर की यही खामी खूबी में बदल गई और उनकी कलाई गेंद फेंकते वक्त ज्यादा मुड़ जाती थी, जो उन्हें बाकी स्पिनरों से अलग करती थी, और वो वाकई में सबसे तेज लेग ब्रेक बॉलर रहे, जिसके कारण अच्छे अच्छे बल्लेबाज आसानी से आउट हो जाया करते थे। आपको बता दें कि कभी भी चंद्रशेखर ने अपनी खामी की वजह से खुद को कम नहीं समझा, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाया। चंद्रशेखर ने अपने करियर की शुरुआत मुंबई में इंग्लैंड के खिलाफ मैच से की थी, जिसके बाद वो 15 साल तक क्रिकेट की दुनिया में छाए रहे। आपको बता दें कि चंद्रशेखर वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने डेब्यू में ही 4 विकेट चटक दिए थे, जिसके बाद आने वाले कल के लिए तो उन्होंने टीम इंडिया में अपनी जगह को पक्का कर लिया था। दोस्तों, चंद्रशेखर की अगर टेस्ट करियर की बात करें तो चंद्रशेखर ने अपने टेस्ट करियर में, यानी कि 1964 से लेकर 1969 के दौरान 58 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 29.75 के एवरेज से 242 विकेट चटकाए हैं। आपको बता दें कि चंद्रशेखर कई बार अपनी गेंदबाजी से मैच का पूरी तरह से रुख बदल दिया करते थे, जिसमें शामिल है भारतीय क्रिकेट के इतिहास का वो यादगार मुकाबला जब भारत ने 1971 में ओवल टेस्ट जीतकर इंग्लैंड की धरती पर पहला टेस्ट जीता था और सीरीज पर कब्जा जमाया था। इस दौरान चंद्रशेखर ने 38 रन देकर 6 विकेट हासिल किए थे, जिसमें इंग्लैंड की दूसरी पारी 101 रन पर सिमट कर रह गई थी। इसके अलावा दोस्तों, चंद्रशेखर ने 1978 में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर इंडिया को पहली टेस्ट जीत दिलवाई थी। उस मेलबर्न टेस्ट में उन्होंने 104 रन देकर 12 विकेट झटके थे। बता दें कि पहली पारी में चंद्रशेखर ने 52 रन देकर 6 विकेट लिए, तो वहीं दूसरी पारी में उन्होंने 52 रन देकर 6 विकेट झटके थे, और चंद्रशेखर की इसी शानदार परफॉर्मेंस की वजह से ही इंडिया ऑस्ट्रेलिया को मात देने में कामयाब हुई थी। तो दोस्तों, ये थे भगवत चंद्रशेखर, जिनका जज्बा वाकई में कमाल का था। और दोस्तों, कहते हैं ना कि कभी भी अपनी कमजोरी को खुद पर हावी ना होने दे, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाए, जिसका जीता जागता उदाहरण है भगवत चंद्रशेखर। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे क्रिकेट से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए क्रिकेट लाइव गुरु। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइव गुरु चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। Also follow us on Instagram for quick updates.